जैसा कि हम देख सकते हैं मैं अभी एक मैनुअल ट्रांसमिशन हेक्सा चला रहा हूँ और इसके अंदर चार मोड आ रहे हैं, कंफर्ट, डायनेमिक, ऑटो एंड रफ रोड। अब देखिए चारों मोड अपने आप में खास है, अलग अलग कंडीशन के हिसाब से दे विल बी परफॉर्मिंग रियली वेल। दोस्तों अगर आप एक ऑटोमोबाइल एंथुजियास्ट हैं तो आपको जरूर से पता होगा कि आजकल जो कार्स आ रही हैं उनमें अलग अलग तरह के मोड्स आ रहे हैं, यानी कि एक ही गाड़ी से, एक ही इंजन से अलग अलग क्षमताएं एक्सट्रैक्ट करने के लिए गाड़ी के अंदर ऑप्शन आ रहा है कि उसके अंदर अलग अलग तरह के मोड्स होंगे। आपने कॉमनली सुना होगा कि इको या स्पोर्ट्स मोड, इको मोड जो कि बहुत ज्यादा इकोनॉमी बढ़ा दे, स्पोर्ट्स मोड जो कि गाड़ी को पावरफुल बना दे। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थोड़ा सा और डिटेल में इन मोड्स के बारे में। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कहता है कि जीप कंपास के अंदर हमारे पास ऑटो, सैंड, मड, स्नो, ये अलग अलग तरह के मोड्स आ रहे हैं, और कोई कहता है कि हेक्सा, टाटा की हेक्सा के अंदर हमारे पास ऑटो, कंफर्ट, डायनेमिक एंड रफ रोड, ये अलग अलग मोड्स आ रहे हैं, तो इनका मतलब क्या रहेगा और कैसे ये व्हीकल की परफॉर्मेंस को मैनिपुलेट करेंगी, मॉनिटर करेंगी और अलग अलग टेरेन के हिसाब से चेंज करते जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं विनीत शर्मा एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं इन ट्विजाज ऑटोमोबाइल्स। दोस्तों आज की इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए मैं उदाहरण के तौर पे टाटा हेक्सा को एज अ एग्जाम्पल व्हीकल आपके सामने पेश कर रहा हूं। टाटा हेक्सा के अंदर हमारे पास चार मोड्स आते हैं, ऑटो, कंफर्ट, डायनेमिक एंड रफ रोड। ये चारों मोड्स आपको जो हेक्सा का मैनुअल वर्जन है उसमें आपको देखने को मिल जाते हैं। चारों मोड में अलग अलग कंडीशन के हिसाब से हमें यूज करना होता है अलग अलग मोड को, और उसके हिसाब से गाड़ी का जो ड्राइविंग कैपेबिलिटी है वो चेंज होता आता है। तो आइए एक एक करके इन चारों मोड्स को समझ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑटो मोड, यानी कि फुली ऑटोमेटिक मोड। ये मोड के अंदर हम गाड़ी को आमतौर पर, अगर आप कंफ्यूज नहीं होना चाहते अलग अलग मोड्स के बीच में कब कौन सा ड्राइव करें, तो आप ऑटो मोड में गाड़ी को ड्राइव कीजिए, आपकी गाड़ी एक ऑल व्हील ड्राइव व्हीकल की तरह ड्राइव करेगी और ऑटोमेटिकली आपका रोड का जो भी टेरेन होगा उसके हिसाब से, जैसे भी रोड होगी उसके हिसाब से गाड़ी अपनी जो इंजन की कैपेबिलिटीज है, सेफ्टी की कैपेबिलिटीज है, ट्रैक्शन की कैपेबिलिटीज है, इनको एडजस्ट कर लेगी। तो अगर हमारे सामने खुला एक्सप्रेसवे आ गया, एक हाईवे आ गया बहुत बड़ा सारा, और आपने टाटा हेक्सा को ऑटो मोड में कर दिया, तो ऐसी कंडीशन के अंदर गाड़ी काफी स्मूथली चलेगी, ये पूरी गाड़ी को चिपका के नहीं चलेगी रोड के साथ, एकदम आराम से कम ट्रैक्शन के साथ, सेफ्टी फीचर बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड नहीं रहेंगे और आराम से गाड़ी चलती जाएगी। लेकिन जैसे ही गाड़ी ने सेंस किया कि रोड के ऊपर मान लीजिए ग्रेवल आ गया या फिर ऑयल कहीं बिखरा हुआ है, तो सारे फीचर्स ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएंगे। इस मोड के अंदर आपको गाड़ी में मैक्सिमम पावर भी मिलती है, 156 पीएस की पावर और 400 एनएम का टॉर्क इस मोड को खास मोड बनाते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मोड जो कि है कंफर्ट मोड, उसके बारे में। दोस्तों टाटा हेक्सा के अंदर कंफर्ट मोड है और इसके नाम से पता चलता है, एक कंफर्टेबल ड्राइविंग के लिए कंफर्ट मोड यूज कीजिए। इस मोड के अंदर गाड़ी के इंजन की जो पावर और टॉर्क है वो लिमिटेड हो जाती है, थोड़ी कम हो जाती है। आपको 150 पीएस की पावर और 320 एनएम की टॉर्क इस मोड में मिलती है, और ऑब्वियस सी बात है अगर माइलेज का आपको ज्यादा चाहिए तो आप इस मोड में गाड़ी को चलाइए, क्योंकि पावर और टॉर्क कम हो गए हैं तो माइलेज आपको ज्यादा मिलेगा। तो गाड़ी के अंदर आपको बहुत ज्यादा ट्रैक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन आम तौर की लाइफ के लिए अगर आप सिटी में चला रहे हैं, हाईवे पे चला रहे हैं, आपको कोई स्पेसिफिक स्पेशल फीचर्स नहीं चाहिए, 4x4 एबिलिटीज नहीं चाहिए, 4x4 एबिलिटीज नहीं चाहिए, तो आप कंफर्ट मोड को यूज कर सकते हैं। इस मोड में आपको मैक्सिमम माइलेज मिल जाता है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं डायनेमिक मोड की तरफ। टाटा हेक्सा के अंदर जो तीसरा मोड है उसका नाम है डायनेमिक मोड, और अपने नाम के ही अनुरूप इसका किरदार भी काफी डायनेमिक है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे हेक्सा के अंदर ESP आता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, जो कि आपकी कार को रोड से चिपका के चलता है। जैसे ही आप देखते हैं कि कोई गाड़ी स्लिप होने लगती है, जिस तरफ हम गाड़ी ले जाना चाहते हैं उस तरफ नहीं जा रही है, तो गाड़ी के ब्रेक्स ऑटोमेटिकली गाड़ी को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। टाटा हेक्सा का जो डायनेमिक मोड है इसमें ESP लेट काम करना शुरू करेगा। तो अगर मैं ऑटो मोड में गाड़ी चला रहा हूं तो ESP शुरू से ही पूरा एक्टिव है,
ऑटो मोड में चलाते हुए गाड़ी मस्त चल रही है, लेकिन जैसे ही आपने थोड़ा सा गाड़ी को स्किड मारने की कोशिश करी, ईएसपी एक्टिव होकर गाड़ी को रोकने की कोशिश करेगा, ब्रेक्स लगने की कोशिश करेंगे और गाड़ी स्टेबल हो जाएगी। लेकिन अगर आप डायनेमिक मोड में गाड़ी चला रहे हो तो ईएसपी थोड़ा सा लेट काम करेगा थोड़ी सी स्पीड पकड़ने के बाद। ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मेरी गाड़ी थोड़ी सी लपक के चले, एकदम हवा से बात करते हुए चले, इनिशियल एक्सेलरेशन आपको अच्छा मिल सके। तो ऐसे लोगों के लिए जो कि गाड़ी बहुत मजे के लिए चला रहे हैं और चाहते हैं कि इनिशियल उनको लपक फील हो, वो चाह रहे हैं कि रेस कर रहे हैं तो शुरू में गाड़ी काफी लपक के चले, उसके लिए डायनेमिक मोड काफी जरूरी रहेगा, काफी काम आएगा। क्योंकि इस मोड के अंदर आपका ईएसपी लेट काम करता है, पावर और टॉर्क मैक्सिमम है, 156 पीएस और 400 एनएम की शानदार पावर और टॉर्क। और ऐसे मोड में जब ईएसपी थोड़ा सा लेट काम कर रहा है, बाकी सेफ्टी सिस्टम काम कर रहे हैं लेकिन ईएसपी थोड़ा सा लेट एक्टिव होगा, इस कारण से इनिशियल एक्सेलरेशन करने में आपको मजा आएगा। तो अगर आप सिटी में चल रहे हैं और बार बार ब्रेक लगा रहे हैं, स्पीड खींच रहे हैं, ऐसी कंडीशन में इस ड्राइविंग मोड का काफी ज्यादा महत्व होगा, आपको गाड़ी चलाने में मजा आएगा। व्हील स्पिन्स एंड एवरीथिंग दैट वी आर ट्राइंग, ड्रिफ्टिंग एज एबल कॉल्स इट, एंड इट वाज अ रियली एंजॉयबल एक्सपीरियंस। लास्ट हम बात करेंगे रफ रोड मोड के बारे में। रफ रोड मोड क्या काम करेगा और कब काम करेगा, इसके नाम में ही इसके किरदार का चरितार्थ है, यानी कि इसके नाम में छुपा हुआ है कि इसको कैसी रोड पे चलाना है। जी हाँ, रफ रोड को हम चलाएंगे रफ रोड्स के ऊपर। तो जब भी आपको लगे कि आपको सारी सेफ्टी, सारा ट्रैक्शन, पूरी रोड ग्रिप, पूरी मजबूती, पूरी पावर, मैक्सिमम हर चीज चाहिए, तो उस कंडीशन के लिए आप रफ रोड मोड लगाइए। हमने शुरू में बात करी थी ऑटोमेटिक मोड के बारे में, यानी ऑटो मोड के बारे में। इस मोड को हम यूज करते हैं जब हमें दिमाग नहीं लगाना, गाड़ी अपने आप सेंस करेगी रोड को और तय करेगी कि उसको सेफ्टी और ट्रैक्शन और पावर हर तरह को कैसे मैनेज करना है। लेकिन रफ रोड मोड में हम गाड़ी को ये गाइडलाइन दे रहे हैं कि भाई गाड़ी सामने, हमारे सामने बहुत ही टफ ट्रेन आने वाला है, हम ऑफ रोड जाने वाले हैं, सामने कोई जंगल, उबड़ खाबड़ रास्ता, नदी नाले, पहाड़, बर्फ, कुछ भी आ सकता है। ऐसी कंडीशन में हम चाहते हैं गाड़ी पूरे ट्रैक्शन के साथ, फुल टॉर्क के साथ, पूरी ग्रिप के साथ आगे बढ़े और उसके सारे सेफ्टी फीचर्स भी पूरी तरह से इनेबल रहें, गाड़ी में ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम जबरदस्त काम कर रहा हो। ऐसी कंडीशन के लिए हम रफ रोड मोड लगाए थे हैं। ये मोड आपकी गाड़ी की मैक्सिमम पावर यूज करता है एंड ऑब्वियसली आपका माइलेज कम हो जाएगा और आपकी गाड़ी पूरी तरह से तैयार रहेगी किसी भी तरह की डिफिकल्टी को हैंडल करने में। दोस्तों, आजकल बहुत सारी कार कंपनीज अलग अलग मोड्स प्रेजेंट कर रही है, आप जरूर से जाइए और गाड़ी खरीदने से पहले, गाड़ी को समझने से पहले इन मोड्स को समझिए ताकि आप ड्राइविंग करते समय गाड़ी का सही लुत्फ, सही मजा उठा सके और रोड की कंडीशन के हिसाब से, खुद की जरूरत के हिसाब से गाड़ी को आगे बढ़ा सके। आज के वीडियो में इतना ही। सीखते रहिए, सिखाते रहिए। अपना वक्त देने के लिए शुक्रिया। टेक केयर एंड जय हिंद।